शांति। फिर से बोलो ओम शांति। मैंने सदा ही देखा है, दीदी सदा भट्ठी में थी, जब बच्चा में थी ना मैं दीदी के साथ थी, जुलाई मास है ना, भट्ठी में माना अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकांत प्रिय, एक बाबा दूसरा न कोई, न चिंतन न वर्णन। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी, पर वाणी में क्या है वो राजू जानता है। हाँ, आपको सिखाया दीदी ने बाबा के वाणी में क्या है, कैसे बाबा की वाणी को अच्छी तरह से मनन चिंतन, तो क्या पर अच्छी तरह से बाबा के एक एक महावाक्य को कि मैं कितना, बाबा ने जैसे आज बोला एक एक लाखों रुपए का है, लाखों गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है, ज्ञान का खजाना, सदा ही ज्ञान का खजाना खेलना सीखना हो ना तो मेरे से सीख सकते हो ना, सीख सकते हो ना। नहीं तुम यहां इसमें खाली पर ये आराम से बैठो, ये दीदी ने सिखाया है। जब भी दीदी के साथ बाबा अव्यक्त होने के बाद दीदी साथ लेके जाती थी, जहां था पंजाब में लेके गई, पहले दीदी के साथ दिल्ली में भी सेवा पर रही थी, बाबा अव्यक्त होने के बाद पंजाब बिहार बंगाल काठमांडू तक, उसमें भी तुम बताओ चेक करती थी क्या, नई नई बात सुनाती है, नहीं सही सेम तो नहीं सुनाती है। बड़ी दीदी ने मुझे चेक किया, मधुबन में सुनाती थी तो कमर मन से पूछती थी क्या सुनाया बताओ इसमें, कमल मणि को वो दिन कभी भूलते नहीं है। तो ज्ञान रत्नों से खेलने का उसके कितने वैल्यू है दीदी के संग से पाया है। लोकलाज को छोड़ने में नंबर वन, एक दीदी के अपने लोके घर को क्या दीदी फैशन बोलती है हमारे सिंध में, मैं पहले से जानती थी। क्वीन मदर हमारी दीदी की माँ हमारे लोके घर में बड़ी वो थी, जो आती थी ना क्वीन मदर, बड़ी सियानी थी। पर ये पता हो क्वीन मदर के जो दीदी का बाप स्टीमर में डूब गया था, स्टीमर डूबा था वो चला गया था, ये बड़ा अचानक सारे सिंध में उसका क्वीन मदर को बड़ा आया, सब सबको फेल हुआ। तो निमित्त बनी दीदी, बाबा को देखा, क्वीन मदर को ये लाया, शील भी थी उसकी बहन, भाई ज्ञान में नहीं चले तो क्वीन मदर का भी मोह इतने में छूटा, सारे सिंधु हलचल हो गई थी। तो दीदी चरी जा मीरा मस्ती घर बार छोड़ के निकली, वो दीदी पहले नंग बरती। मैं बाबा को सदा ही समझ, ये भगवान है ना, मैं बाबा बाबा कैसे कहूं, भगवान है ना बाबा, मुझे बाबा कहना भी नहीं लगता तो कैसे बोलूं। तो दीदी ने मेरा प्यार से तुम बाबा से सखा रूप में देखो ना, मैं कहती दीदी बाबा से सखा रूप में, तो मुझे इतना अच्छा सखा रूप का अनुभव कराया, जो बाबा से हंसो बैलो बात करो आओ आओ यहां बाबा के पास। तो बाबा ने मुझे सखा रूप की भाषणा भरी थी। माता पिता तो माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, वो तो बाबा के पास आते ही अनुभव हुआ। वो अनुभव
की शक्ति अभी तक चला रही है। दीदी मुझे हंसा के, भारी होती तो नहीं थी पर पुरुषार्थ सीरियसली करती थी, अच्छा पुरुषार्थ करूं, अच्छा करूं, सारा दिन रात अच्छा पुरुषार्थ करूं। तो एक बारी दीदी ने हाथ से पकड़ा, जानकी क्या सोच रही हो? मैं कहा छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो। तो फिर से ढंग से पकड़ा, क्या पुरुषार्थ करके मरती क्यों हो? खुशी से पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ है खुशी। जब बाबा है, बाबा ने ज्ञान दिया है, योग सिखाया, खुश रहो ना, मुझे खुश रहे, अभी खुशी से पुरुषार्थ करती हूँ। तो दीदी से खुशी से पुरुषार्थ करने की आदत पड़ गई, यानी स्वाभाविक हो गया। तो मम्मा कहती थी ड्रामा, बाबा कहता नथिंग न्यू। मम्मा एक अखा गया, कोई शरीर भी छोरा कुछ भी आ ड्रामा बस, और कुछ नहीं कहेंगे। मम्मा हम भी सही छोड़ के ऐसे कहेंगे, आप तो क्या करेंगे? हम सही छोड़ पर आप ऐसे कहेंगे तो मामा मुश्किल कर, क्या करेंगे? जब मम्मा ने सही छोड़ा, बाबा से पूछा, बाबा ने कहा क्या? मनोर दादी थी पंजाब, पता नहीं कहाँ की, सुनने मम्मा चली गई, मम्मा चली गई। तो आई बाबा के पास, क्या क्या कहने आई हो? परचानी करने आई हो मेरे से? मम्मा मम्मा क्यों करते हो? मम्मा जैसा करके दिखाओ। तो बाबा का था बन, जो बाबा बनाता है वो बनना है। मम्मा ने बन के दिखाया, दीदी ने बातों करके छुराया, कोई बात नहीं कर रहे। तो कराची में गायन रूम थी, मम्मा तो छतों पर इधर उधर याद में बैठती थी, दीदी छिपके कांधे को शांत में बैठी है। फिर हम पूछती थी दीदी, कहते कोई संकल्प जरूरत ही नहीं है। कारोबार दीदी तभी भी संभालती थी, यहां भी संभालती थी। जब बाबा मम्मा के तबीयत ऐसी थी तो बाबा ने पहले से दीदी को दिल्ली से यहां बुला लिया था मधुबन की कारोबार। तो दीदी में न्यारे और प्यारे रहने की, न्यारी कोई दीदी के नाम रूप में नहीं अटक सकता है, खबरदार। अब कोई किसके नाम अटक, दीदी की आंख दिखा देती थी, आंख होशियार है। कोई फालतू कोई आपस में बात करेगा तो दीदी की नहीं कर सकता। बाबा दीदी को भेजता था भंडारे में, कोई खाने पर बात तो नहीं कर रहा है, दीदी का जाना सब, कोई कहां कोने बातें तो नहीं, आंसू नहीं कर सकते थे। एक ही बारी हम कहां टूर से आई थी सेवा करके, तो बाबा ऑफिस में बैठा था, पत्र लिख रहा था। तो मैंने समझा जब तक बाबा फ्री हो जावे तो दीदी ने मुझे हाथ से लेकर के तुरपा लेके गई, जाने भाई के ऑफिस। ये 5 मिनट के बाद अब आए, बाबा कहते टिक टिक करके आए, कुछ बोला भी नहीं था। तो जैसे मैं वहां से आई सेवा से, कुछ दीदी को बात सुनाऊ ना, ऐसा बाबा हमारा आपस में कनेक्शन कैसा हो, रूहानी, बस अति रूहानी कनेक्शन रहा है। जब दीदी तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा ने कहा तुम इसका संभालो। हमारे ब्रिज कोठी में, वहां मैनेजर क्वार्टर दूर था थोड़ा, मेरा जी चाहता है कभी मैं ब्रिज कोठी पर आपको लेके जाऊं, दिखाऊं, बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल वहां की बातें, जैसे कराची का देख करके आई ना ब्रिज कोठी, अच्छी बातें बहुत। तो क्या था, मैनेजर क्वार्टर कोने में था, तो दीदी की तबीयत जब ठीक नहीं थी ना, तो वैसे दीदी के अनुसार दीदी कोई बात करते थे, बाबा कहते था कोई इनसे बात नहीं करे। तो वहां मैनेजर क्वार्टर ठहरे, तो मैनेजर क्वार्टर में दीदी रहती थी, मैम दीदी के साथ रहती थी। तो वहां चराई थी ऐसे,
तो चले नीचे मूली सुना या खाना लेके आना ये करना, तो ये करके ऊपर आती थी। एक बारी मैं जब सीढ़ी उतर चढ़ाई चढ़ के आई ना, तो मैं खटिया पर तो लेट गई। तो दीदी कहती है ये ठीक बात हो रही है, तू घरी घर खटिया पर लेट जाती हो। वो दिन आज का दिन दीदी में से फंस गई। कितना बारी कुछ भी हो जाए, मैं कभी बीच में जाकर खटिया पर लेटती नहीं थी। कहती फिर यहां दीदी का रूम था, एक दो बारी मुझे लेटा करके फिर दरवाजा बंद करके मैं पीछे का दरवाजा खोल के चली गई। ऐसे थोड़े ये जल्दी थक जाए सो जाओ। शिक्षाएं हैं नंबरों की, बड़ी प्यारी है। और दीदी का मुरली से इतना प्यार। शाम को ऑफिस है हमारी, जाएंगे ऑफिस में, क्वेश्चन पूछेंगी। पूरा आंसर में दिया मुरली का, नहीं दिया, फेल। यहाँ मेडिटेशन हॉल बना तो नीचे गहरा था, पीछे ऊपर जाते थे। पहले पूछती थी आज तुमने क्या विचार किया बाबा की मुरली पर, पीछे ऊपर जाते थे। फिर दिल्ली में थी तो मैंने 11 बजे तक, जब तक सेवा न करूं तब तक नाश्ता तो क्या, दूध भी नहीं पीती थी। जान तान सेवा पर, और दीदी का तो सेवा तुम करेंगी। और मुझे सोने के लिए दीदी ने बड़ा कान पकड़ा, ऐसे रात को भी सोती क्या अंदर से प्लान भी नहीं, या वाइब्रेशन जावे, इसको ये जावे। तो जो बाबा भी कहता है मनसा सेवा करो, वो दीदी ने मनसा सेवा बहुत की है, वाणी से कम। वो कर्म में मैं कहती हूँ एक्यूरेट, पंक्चुअल, रेगुलर। कभी क्लास में लेट नहीं आएंगी, पंक्चुअल रेगुलर। मजा ले नीचे ऊपर होवे। एक बारी क्या था, क्यों दीदी बाबा की हर बात को अच्छा पकड़ती थी, तो हिस्ट्री हॉल में हम ऐसे सामने बैठते थे बहुत करके। बाबा कहता है कोई भूल किया सारे दिन में, भूल तो किया नहीं है। दीदी भी सोचे भूल कुछ किया तो मैं भी कुछ भूल तो किया। मैं पूछता हूँ कोई भूल किया है तुमने, फिर बोले बताओ सारा दिन बाबा को कितना टाइम भूली। सारा दिन बाबा, हाँ ये तो किया होगा। तो उनसे लेकर के दीदी और मैं एक दो का कान पकड़ते थे। फिर क्या बाबा योग करता, पीछे 10 बजे जब बाबा दृष्टि देता था, पूरा 10 बजेगा ना रात को, बस उसकी तभी बाबा ने लाल बत्ती का सिस्टम बनाई थी, गीत की सिस्टम बनाई थी। तो जब बाबा अव्यक्त हुआ तो दीदी शाम को 7 बजे एक्यूरेट याद में बैठने आती थी ऑफिस में। पहले ऑफिस में बैठती आती थी जैसे बाबा को लेके आ रही है। एक नामी से चलना, एक नामी रहना दीदी से सीखा है। दूसरा, दीदी हमारे पास बाबा के होते भी आती थी पुणे वगैरह में, बाद में भी आई, पर सिस्टम ऐसी बना के दी, मेरे बनाई सिखाई। सुन दीदी के आई जो दीदी के अर्थ मिला, यज्ञ के अर्थ, कार में बैठी है उसी घरी लिफाफा और वो नाम वगैरह जो भी कुछ होगा दे दीदी। मजा ले 5 रुपए रखू उनसे, भाई ये खर्चा हुआ है ना। कभी पापर भी यज्ञ में, एक पापर भी यज्ञ के लिए मिला नहीं रखेंगे। यज्ञ दीदी ने सिखाया। उसके बाद बाबा भी आया, मामा भी आती थी ना, जो मिला सीधा यज्ञ में, कभी हाथ में नहीं लगाएंगे ना, सीधा से। ये दीदी ने सिखाया। जब WBCS विदेशी पहले आना शुरू हुआ तो कईयों को दीदी के दृष्टि से बाबा का अनुभव हुआ है। तो ईमानदारी सीखना हो तो दीदी से सीखो, वफादार बनना हो तो दीदी से सीखो, मन एक बाबा दूसरा न कोई। तो मैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद
दीदी मेडिटेशन हॉल में दृष्टि देती थी, लाइन में अच्छी दृष्टि, पर मैं कहती दीदी इतना समय दृष्टि देती है, फिर कभी अनुभव करके देख, मुझे तो कहती क्लास कराओ। तो दीदी दृष्टि देती थी, मैंने भले एक घंटा क्लास कराया उसका असर नहीं, एक घंटा दृष्टि दीदी क्या करूं, पंजाब में बंदा मुझे कहेगा तू क्लास कराओ, फिर कहेंगे खुद देंगे दृष्टि।